छत्तीसगढ़ की पहचान दुनिया में समृद्ध खनिज संपदा, कला और संस्कृति को लेकर तो है ही, लेकिन हॉकी और क्रिकेट जैसे खेलों में भी प्रदेश की प्रतिभाओं ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। और अब तेजी के साथ छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं से ज्यादा अवसर देने और उन्हें समुचित तरीके से प्रशिक्षित करने, उन्हें सुविधाओं के साथ निखारने और प्रदेश को खेलगढ़ के रूप में ख्याति दिलाने की दिशा में बीते 2 वर्षों से भूपेश सरकार लगातार काम कर रही है। कैसे, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में खेल अकादमी की स्थापना नहीं हो पाई थी, लिहाजा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर रायपुर में छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी की स्थापना की गई। इस अकादमी में बालक और बालिका हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अकादमी खुलने के बाद से भूपेश सरकार ने भारत सरकार से मान्यता के लिए प्रयास शुरू किया। नतीजा ये है कि साई ने छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी को मान्यता दे दी है। राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है जब अकादमी को मान्यता मिली है। और जो हॉकी अकादमी है, यहाँ पे आपने देखा होगा 2-2 हॉकी स्टेडियम बने हुए, लेकिन बहुत उपयोग उनका नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा था भारत सरकार को कि नेशनल हॉकी एकेडमी के लिए। तो उन्होंने, उनकी टीम आई थी, उसने यहाँ भ्रमण किया और उन्होंने पाया कि हम इसको चलाने में सक्षम हैं, तो उन्होंने इसकी हमको स्वीकृति दी है। इतना ही नहीं, हमारे पास राज्य स्तरीय अकादमी भी स्वीकृत है आर्चरी और हॉकी के लिए। तो हम अब उसके भी ट्रायल का शेड्यूल बना रहे हैं और हम सारे देंगे। वहीं इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। इसे राज्य की युवा खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए मदद मिलेगी। वहीं तीरंदाजी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। वन स्टेट वन गेम के तहत रायपुर में तीरंदाजी खेल को विकसित किया जा रहा है। एक नज़र खेलगढ़ को लेकर इन बड़ी बातों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से मिली सफलता, छत्तीसगढ़ राज्य हॉकी अकादमी को मिली मान्यता, बिलासपुर को स्विमिंग, कुश्ती और एथलेटिक खेलों के लिए मिली मान्यता, राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर को स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा, खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए बड़ा कदम, राज्य के साथ साथ अब केंद्र से भी मिलेगी मदद। तो हमको एक्सेलेंस सेंटर वहाँ पे दिया गया है, जहाँ पर कि आधुनिक तरीके से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ बच्चे बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के स्विमिंग के कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमको एथलेटिक्स के लिए मिला है और हमको कुश्ती के लिए मिला है। तो हम वहाँ पे भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही हमने अभी पूरे राज्य भर में सारे जिलों में हमने टीम भेजी थी अपने खेल संचालनालय से। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेलों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन भी किया है। प्राधिकरण के माध्यम से राज्य भर में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वास्तव में भूपेश सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ छत्तीसगढ़ को खेल गढ़ बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर दिखाई देती है। सहयोगी सत्यपाल सिंह के साथ वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।